साइज क्या हो गया 9.4 क्लास 12। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1-4x वन प्लस क्या है 4x। सोल्यूशन इनका कीजिए। वन माइनस कोस एक्स का क्या होता है बोलो, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। इनका क्या होता है टू कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, कोस स्क्वायर एक्स बाय टू। ये खत्म हो गया वीडियो बन रहा है क्लास पर ही चलते डी वाई बाय डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स देखो, साइन साइन बटे कोस को हम क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं ना, स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर होगा टेन पर, एंगल की जगह क्या है एक्स बाय टू, तो क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। चलिए तो टेन स्क्वायर एक्स बाय टू के लिए इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला जानते हैं नहीं तो इसमें क्या करेंगे, कोना कोनी गुणा कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है एक्स है ना, डी एक्स को इधर ले आना, डी वाई हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये डी एक्स हो गया लगा दिए हैं। अब देखो टेन स्क्वायर एक्स बाय टू को हम क्या लिख सकते हैं, एक स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, ये हो गया आपका डी एक्स। डी वाई का क्या होगा इंटीग्रेशन, क्या होगा जी सर। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स होता है, समझ गया ना, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू का क्या होगा टेन एक्स बाय टू तो होगा ही। अब देखिए एक्स में क्या गुना है वन बटे दो है ना, तो डिफरेंशिएशन में गुना करते हैं, इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, अब माइनस वन है ना, डी एक्स में गुना होगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स, डी एक्स का क्या होगा एक्स होगा, प्लस क्या हो गया डी। ये आपको पलट के इधर गुना हो जाएगा, माइनस एक्स इधर लाइए प्लस एक्स हो गया टू टेन एक्स बाय प्लस सी इनका आंसर। सब एक तरफ से ले लीजिए, वीडियो बन रहा है एक तरफ से कहाँ सब ये ले। चलिए इधर डी वाई है तो वाई वाले फंक्शन को क्या करना है तर्क कर, वाई वाले की तरफ लाइए। अब बचपो कहाँ गया, तो डी वाई अब बटा क्या होगा रूट ओवर फोर माइनस वाई स्क्वायर, इनको इधर गुना कीजिए, नहीं पूछे तो क्या है वन है, तो यहाँ पर क्या होगा डी एक्स हो गया। अब दोनों तरफ क्या करना है इंटीग्रल साइन लगा देना है, लगाइए एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स वाई, क्या होता है देखो फॉर्मूला होता है ऐसे डी एक्स रहा ना रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। उसी प्रकार से देखो ये क्या होगा एक स्थान पर क्या होगा दो है ना, तो ना दो गुना चार पूरा है जी, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है ना, तो एक्स के स्थान पर क्या है वाई वाई बाय टू, तो वाई वाई क्या होगा टू, और डी एक्स का क्या होता है डी एक्स का एक्स हो गया प्लस एकदम ये जो है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट इनको जोड़ देगा, जोड़ दिए सी लो के लो कुछ भी लेना है जो लेना है देते चलिए। अब आपको करना क्या है कि साइन इनवर्स में है या तो ऐसे छोड़ दो आंसर हो गया, और तुमको अगर निकालने का मन हो तो क्या करो ये साइन इनवर्स है ना, तो साइन इधर आके पलट आए पलट जाएगा वाई वाई क्या होगा टू साइन एक्स प्लस सी, या वाई बराबर क्या होगा टू साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तीन नंबर का जो सवाल है इसमें है डी वाई बाय डी एक्स प्लस
वाई बराबर क्या हो गया एक डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई से इन्हें लागल की भाई से माइनस वाई वाले हो चलो इन्हें गुणाम से नहीं कुछ हो तो एक में गुणाम से ना इन्हें किए थे वन माइनस वाई हो जाएगा इनको इधर गुना कीजिए डी एक्स हो गया और दोनों तरफ इंटीग्रल साइन इंटीग्रल साइन लगाइए चलिए इनको हम क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग वाई वन माइनस वाई क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग वन माइनस वाई क्यों लिखेंगे क्योंकि जेड मान लेना क्या करेंगे जेड मान लेंगे तो वन का जीरो हो जाएगा और वाई के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन इनका निकालेंगे तो क्या होगा एक हो जाएगा एक। अब देखिए डी एक्स का क्या होगा एक्स इंटीग्रल साइन ये सी लगा दिए चलो सी को इस साइड ले आओ तो माइनस सी तो माइनस लॉग क्या हो गया वन माइनस वाई वन माइनस वाई बराबर एक्स माइनस कॉमन ले लो सी को हम क्या लिख देते हैं लॉग सी लॉग के लिख देते हैं वाई लॉग वन माइनस वाई एक्स आप देखो माइनस को इधर लगा दो एक्स की तरफ ठीक है वो हो गया ये लॉग में देखो क्या होता है लॉग के इनटू वन माइनस वाई लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है लॉग एम क्या होता है गुणाम हो जाता है तो के लॉग माइनस वाई बराबर माइनस एक्स लॉग खत्म करो तो ई पर पावर से रहेगा ई पर जो है माइनस एक्स आएगा के इंटू वन माइनस वाई पावर माइनस ई पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यों होता है तो लॉग लगा दो ये पावर है गुना में आ जाएगा लॉग का मान एक हो जाता है समझ गया ना अब के को गुना कर दो करना चाहो तो या ऐसे ही रहने तो उधर के कर ना है तो ऐसे के को गुना कर देते हैं माइनस के वाई हो गया या के से भागा दे दो के से भागा देते हैं वन माइनस वाई ई पावर माइनस एक्स हो गया अब बटे क्या हो गया के अब इनको जो है इधर लाओ इनको है इधर लाओ ये माइनस वाई इधर गया तो क्या हो गया प्लस वाई हो गया ये प्लस में मान है तो इधर आके वन में से क्या होगा घट जाएगा ना तो वन माइनस क्या होगा ई को पावर माइनस एक्स बटे के अब देखो इनको हम लिख सकते हैं ए ई पावर माइनस एक्स अब यहाँ पर चूंकि में लिख दो ए बराबर माइनस वन बटे ये मान लिए इस प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर में है जीरो तो देखो एकदम सिंपल नियम और सिंपल दिमाग लगाना है यहाँ पर डी एक्स है ना जी तो ये एक्स वाला फंक्शन तो रहेगा नहीं रहेगा आपको कटाना क्या है टेन वाई कटाना है ना यहाँ से क्या कटाना है टेन एक्स तो कौन दो को प्रॉब्लम है समस्या है टेन वाई और टेन एक्स टेन वाई टेन एक्स से भाग दे दो समस्या खत्म करना है तो कंसेप्शन समझ गया ना टेन एक्स टेन वाई से क्या करोगे भाग दोगे तो लिख देना है
कि 10x 10y से डिवाइड करने पर डिवाइड 10x 10y तो दीजिए भाग sec square x 10y dy बटा क्या होगा 10x 10y sec square y 10x यहां पर ही वही चीज 10x 10y dy बराबर 0 ये मान कट गया उसके बाद ये और ये कट गया बचा किया sec स्क्वायर x dy और 10x sec स्क्वायर y dy 10y बराबर 0 इंटीग्रल साइन दोनों तरफ लगाइए इसमें लगाते हैं dx हो गया ना तो 10x 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x नहीं होगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ट्रिक हम क्या लिखाए थे कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हमें आ जाए तो ये नीचे वाला भी मान होता है किसमें आ जाता है लॉग में आ जाता है जी लॉग 10x तो क्या होगा लॉग 10x log 10 log 10 y आ 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट अति ऑब्जेक्टिव है कांस्टेंट हो जाएगा क्या कांस्टेंट के कांस्टेंट होता नहीं होता है तो ये log m प्लस log n फार्मूला क्या होता है log m into n log mn होता है समझ गया ना log mn यानी 10x 10y किए देखो देखे में बड़ा बढ़िया लागे छी बोलो किए तो हम की करे छे की क्या दिए किए देखे में छे बढ़िया लागे छे अब यहां पर देखिए सी को क्या लिख देना है log को कटाना है log किए क्या लिख देना है log किए सी को हम क्या लिख देते हैं लोग के कांस्टेंट वाला मान को ऐसे में एकदम करते रहो अपने अनुसार सुविधा के अनुसार चलिए ये लोग क्या हो गया खत्म हो गया तो 10x 10y बराबर क्या हो गया कि आंसर अब देखो ये माइनस है ना इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस e पावर x प्लस e पावर क्या होगा माइनस x dy e पावर क्या होगा माइनस x ये dx हो गया ये इधर गुणन है इधर जाएगा तो क्या होगा भाग e पावर x माइनस e पावर माइनस x बटा e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगाने पर ये dy हो गया इंटीग्रल साइन तो दोनों तरफ साइन लगा दिए हैं अब देखो y dy है तो dy का क्या होगा इंटीग्रेशन y होगा ये y हो गया और नीचे का डिफरेंशिएट करो
नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर के बराबर आएगा जी सर, आएगा लॉग में माना जाएगा। ई टू पावर एक्स जो है इनका डिफरेंशिएट क्या होगा, ई टू पावर एक्स का होगा जी। अच्छा अब देखो ई टू पावर माइनस एक्स का क्या आएगा, माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। पकड़ लिया ऊपर वाले फॉर्म को ने, पकड़ लिया तो नीचे का जो है डिफरेंशिएट ऊपर के बराबर आ जाए तो ये जो नीचे वाला मान होता है हर वाला मान किसमें आ जाता है, लॉग में, किसमें आ जाता है में। तो लिख देना है लॉग ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स आया। उसके बाद ये लेकिन एग्जाम में तो ये जोड़ दो, हो गया ना, या तो इतना ही छोड़ दो आंसर हो गया, नहीं तो जोड़ तोड़ करते रहो आंसर पुराते रहो, इतना ही आंसर होगा, तो इतना ही है छोड़। में देखिए हो गया ना, चलो तो ये जो y वाला फंक्शन है इधर आओ इधर लाओ, समझ गया ना, तो इधर गुना में है तो dy में आकर के क्या होगा, तो 1 प्लस क्या होगा y स्क्वायर, इधर आके इसमें क्या हो जाएगा, गुना नहीं हो जाएगा क्योंकि भाग में, तो इधर क्या होगा गुना, वन प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर डीएक्स। इंटीग्रल साइन दोनों तरफ लगा दो, आप बीवीआई नहीं करते हैं, बीवीआई जो करे कर शुरुआत में क्या डाले, आप बीवीआई क्या करती कर ऐसा बात कहाँ पी पलटिए, उस वहां पर भी है उनको एकदम रट लेना है। चलिए तो इनका क्या फॉर्मूला होगा, इंटेग्रल साइन ऑफ डीएक्स बटे वन प्लस एक्स वाई है तो क्या होगा, वाई होगा टेन इनवर्स वाई, डीएक्स का एक्स होगा, इनका क्या होगा एक्स क्यू बटे थ्री और प्लस क्या हो गया के। अच्छा के देखने में अच्छा निक लगता है कि सी देखने में, सात नंबर का सवाल देखिए, लिखा तो सात नंबर का सवाल फ्रेंड्स लिखा दो, सात का सर वाई लॉग वाई डीएक्स, वाई लॉग वाई डीएक्स डीएक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर जीरो, माइनस एक्स डी वाई एक्स डी वाई बराबर जीरो। अब देखो क्या परेशानी है इसमें, इसमें क्या सब परेशानी है इसमें, सर एक्स को यहाँ पर तो एक्स को खत्म करना होगा जी, हो गया या तो तो लिख दो यहाँ पर एक्स लिख दिए, यहाँ पर क्या खत्म करना होगा वाई लोग वाई दोनों को खत्म करना है जी, वाई लोग वाई दोनों को खत्म करना है तो लिख दो वाई लोग वाई, हो गया ना जी। से भाग देने पर भाग देने पर आंसर बढ़िया, तो चलिए ये जो वाई लोग वाई है चलो डिटेल्स में ही देखते हैं, कौन चैप्टर बनाने में अच्छा लगता है बोलिए, सब अच्छे लगता है, मुझे समझ में आ गया आपका, सबसे अभी मजा इंटीग्रेशन बनाने में आता है ना, घर दुख बन रहा है तो नहीं बन रहा है तो सो जाए और तुम्हारा गैंग का एक लड़का घूम है आएगा आनंदित है बेचारा अगर तबियत मता दर्द सर दर्द बोलता इतना नहीं ना इसलिए ऐसा हो रहा है,
लोग क्या कहना चाहते हो? क्या हम लोग क्या कहना चाहते हैं? लड़का वो ज्यादा बोलता है कि नहीं बोलता है? अब देखो ये जो लॉग वाई है इनको क्या मान लेना है? जेड। इनको क्या मान लेना है? जेड। तो जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये जेड बराबर लॉग वाई, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वाई के सापेक्ष वन बटे वाई क्या होगा? वन बटे वाई। तो वन बटे वाई फुट गया कि नहीं फुट गया? तो इनका डिफरेंशिएट इनके बराबर फुट गया ना, इसलिए ये जो मान आएगा किसमें आएगा? लॉग में आएगा। लॉग लॉग वाई। देखो ये जो एक्स है तो डी एक्स बटे एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, क्या होगा? लॉग एक्स नहीं होगा, डी एक्स बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स फॉर्मूला। चलिए सम मान तो लोगे में है, कॉन्स्टेंट भी लोगे में लो, क्या लेगा? लॉग सी, लॉग के मारेंगे हम, जो देखने बढ़िया लगता है वो मिलेगा। तो चलिए ये लॉग एम प्लस लॉग एन नहीं हो गया? लॉग के हो गया ना, ये लॉग, ये लॉग क्या हो गया? खत्म। लॉग वाई बराबर एक्स। अब देखते हैं कि तुम लोग रात को छोड़ दिया है क्या? ये लड़का सबको कहते हैं पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। पार देखो एक्स पावर क्या है? फाइव है। डी वाई बाई डी एक्स और वाई बराबर यहाँ पर बराबर में क्या है? वाई पावर फाइव। ऐसा ही है ना जी। चलो अब करे की छे तो डी एक्स कहने ला, चलो ये इतना की छे नहीं कुछ एक में गुना छे ना जी। इधर आएगा तो क्या होगा? डी वाई में भाग लगेगा। ये मान उठ के इधर डी वाई में क्या होगा? भाग नहीं लगेगा जी, जी। उसके बाद जो है ई मान इधर गुना हो जाएगा, ये माइनस डी एक्स हो गया, इधर गुना है तो इसमें क्या होगा? भाग लगेगा। अब करना क्या है? इस मान को इधर ले आओ जी, माइनस में है डी एक्स, एक्स पावर क्या हो गया? फाइव। ये डी वाई बटे क्या हो गया? वाई पावर फाइव। यहाँ पर जीरो हो गया, इंटेग्रल साइन सब ये लगा दो। जीरो है ना, तो इसमें डी एक्स डी वाई जो लगाना वो लगा दो। हम मान लेते हैं डी एक्स हो गया ना जी। अब देखिए ये नीचे में है मां, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में नहीं हो जाएगा जी, जी। ये नीचे में पावर प्लस में है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। एक्स पावर क्या होगा? माइनस फाइव डी एक्स। और वाई पावर क्या होगा? माइनस फाइव डी वाई। इनका क्या होता है बोलो? ये हो गया जी। उसके बाद देखो पावर में एक जोड़ देते हैं, पावर से भागा। तो देखो एक्स पावर माइनस फाइव जोड़ क्या होगा? एक। पांच में एक जोड़ेगा, नहीं तो लिखते चलो एक्सपेंड करके आई
बातों सवाल लिखा हो क्या है डी वाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स हम पूरा आंसू तो पढ़ने में बैठे साइन इनवर्स तोड़ देंगे एक्स हो गया इसको और कुछ करना और ये आंसर सॉल्यूशन चलिए डी एक्स को इधर गुणा कीजिए साइन इनवर्स एक्स हो गया ये डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगाइए डी वाई डी वाई तब क्या होगा इंटीग्रेशन वाई हो गया यू भी बटेगा अब देखिए तो इलियट के अनुसार सजाना है आई से क्या होता है आई इंटीग्रेटिंग साइन सॉरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ये जो इनवर्सिबल फंक्शन है समझा जी पहले ये रहेगा और ना ही कुछ है इसमें क्या गुना है एक गुना जी क्या गुना है एक गुना है चलो एगो फॉर्मूला होता है यूवी का क्या होता है बोलो तो देखिए ना यू वी डी एक्स यू वी डी एक्स इंटेग्रल वी डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल डी यू डी एक्स इंटेग्रल डी डी एक्स ये डी एक्स समझ गया ना अब देखो नहीं कुछ है तो इसमें क्या है इनको थोड़ा सा और जो है एक है ये डी एक्स हो गया यू का मान देखो क्या है साइन इनवर्स एक्स ये डी एक्स माइनस ये साइन इनवर्स क्या होगा एक्स डी एक्स अब देखो ये डी एक्स अब देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन बटे रूट ओवर वन माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर और डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स हो गया चलो इसका खेल खत्म ये डी एक्स यहाँ पर आ गया ये वाई एक्स साइन इनवर्स एक्स इनका इंटीग्रेशन इनका इनका डिफरेंशिएशन कर दो क्योंकि मान को जो है सही करना है समझ गया ना जी तो इनको क्या मान लोगे जेड इनको क्या मान लोगे जेड तो वन का क्या हो जाएगा जीरो जीरो वन का क्या हो जाएगा जीरो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस टू एक्स हो गया तो देखो सब चीज तो है माइनस भी ये आ गया मिल गया माइनस डी माइनस को है ना डी माइनस को उठा करके हे यहाँ कर दो अब क्या करना है दो की कमी है ना जी एक्स तो मिलिए ना गया जी माइनस भी मिल गया अब कमी किस चीज की दो की ना है दो से गुना कर दो यहाँ पर दो से क्या कर दो भागा कर दो तो ई माइनस उठ के कहाँ आ गया है इस दो में ना लग गया है जी नहीं लग गया है अब देखो यहाँ पर प्लस दो ई जो एक बटे दो है यहाँ पर एक बटे दो लिखेगा ही ना एक चीज याद रखो अब फॉर्मूला क्या होता है वन बटे रूट ओवर एक्स
डीएक्स का फॉर्मूला क्या है, टू रूट ओवर एक्स होता है ना जी, अब होगा टू रूट ओवर एक्स, रूट ओवर एक्स, एक्स का मान क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, आप देखो प्लस ये खत्म हो गया जी, पावर एक्स लिखाते चलिए सवाल, लिखा दीजिए टेन वाई डी एक्स dx plus plus 1 minus e to the power x 1 minus e to the power x set square y dy बराबर 0 set square y dy बराबर 0 dy बराबर 0। अब देखो समस्या कौन सा है, समस्या 10y है sec, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10y समस्या है ना है जी, तो यहाँ पर लिख दो 10y लिख दिए जी, तो यहाँ पर क्या समस्या है 1 minus e to the power x है ना जी, तो यहाँ पर क्या लिख देगा 1 minus e to the power x से भाग देने पर देखो अपने आप समस्या खत्म हो जाएगा। उतारते चलिए मेरे साथ ही, लास्ट है इसके बाद निकलिए जाएंगे। अभी नहीं, इसको अपलोड कीजिएगा वीडियो को, यहीं पे कल क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, e पावर x tan y dx plus 1 minus e पावर x और sec स्क्वायर y dy बराबर 0। tan y 1 minus e पावर x से भाग देने पर भाग दे दिए, भाग देने के पश्चात देखिए आपको ये मान बचा है और यहाँ पर ये बचा है बराबर 0। इंटीग्रल साइन दोनों तरफ लगा दिए, लगाने के पश्चात अब इनका निकालिए इंटीग्रेशन मान क्या होगा, मिटा दे इनको जी। बोलो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, माइनस लॉग ई 1 माइनस 1 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस 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 लॉग इनको अगर जेड बनेंगे ऊपर वाला पुड़ गया ना, तो लॉग क्या हो गया 10 वाई लॉग 10 वाई 10 वाई, इनको आप जो है कि लॉग सब मांग लॉग में आ रहा है ना, इनको लॉग में लिख दीजिए लॉग क्या होगा के। तो एक चीज देखो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम बटे एन ना होता है, इसलिए लॉग एम क्या हो गया 10 वाई बटे एन क्या हो गया आपको माइनस एक्स, ये 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स बराबर लॉग के, लॉग लॉग खत्म 10 वाई टेन वाई बराबर k इंटू
वाले लिख लेते हैं खत्म करके, टेन वाई वन माइनस ई टू द पावर एक्स किए या वन माइनस ई टू द पावर टेन वाई बराबर टेन वाई बराबर चलिए।